love story pure 9 months ki. वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना डरोगे। डर तो आप भी गई थी ना आलिया जी। तो आलिया को ढूंढते? हाँ। हाँ जी। आलिया। कहाँ? अरे वो बलून्स। वो आसपास ही होगी। देखो बलून्स बहुत ऊपर नहीं गए। आए आए। कहाँ है चोर? अरे ससुर जी कहाँ बताएं? आपने जिंदगी में ऐसा चोर ना देखा होगा, हमने भी ना देखा। बिल्कुल आपकी तरह इससे हट्टा कट्टा सीना चौड़ा करके खड़ा था यहाँ पे। आपने हमें बुलाया ना? बिजली कट गई, हम आ रहे थे वहां से आवाज आई, हम भाग के उधर गए, फिर वो उधर भाग के गया, हम भी उधर भागे, वो इधर भागा, हम भी इधर भागे, फिर पीछे उसके गए, इससे गए इससे पकड़ने ही वाले थे साले, कपड़े में कहाँ घुस गए पता ही नहीं। भांग ज्यादा खाने लगे हो क्या आजकल? ससुर जी हमने तो भांग छुई भी ना। जाके सो जाओ, जवान लड़खड़ा रही तुम्हारी। चलो हम भी सोते हैं। हे भगवान, सर में चक्कर आ रहा है। कुसुम, कुसुम बेटा, संभाल बेटा। हे भाई अम्मा, हाँ चलो कमरे में टाई दे। अरे ना ना, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, खिड़की से हवा अच्छी आती है, जैसे सर दबा देना बेटा। ठीक है, चंपी कर देते हैं। हाँ चल। हाँ कमरे में क्यों? पानी पीने वो रखा। मैं निकलता हूं। अम्मा और पापू तो सवेरे 5 बजे जागेंगे। अभय से जाकर क्या करोगे? नहीं, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज। अरे रो नहीं, रो नहीं। तुम जैसा बोलोगी वैसा करेंगे, ठीक है? नो, वी कांट डू दैट। बच्चे जो हमेशा मांगे, अगर उन्हें दे दिया जाए तो वो सही और गलत में फर्क नहीं समझते। देखो रात के 2 बजे अपने घर से बाहर रहना डेंजरस है। अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। चलो। नहीं प्लीज, मुझे घर नहीं जाना। ये था आपका शांत कराने का तरीका? मॉम डैड अब मुझे प्यार नहीं करेंगे। गधा, नालायक। डैड भी नहीं आए और मॉम भी नहीं आए अब तक। क्यों डांटते मारते हैं? घर पे बहुत देर अकेला रहना पड़ता है। नहीं मॉम डैड अब मुझे प्यार नहीं करेंगे क्योंकि घर पे एक नया बेबी आ रहा है। अरे पर ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, मेरी फ्रेंड प्रिया ने कहा कि अब सब बदल जाएगा, सब बेबी को ही प्यार करेंगे। जब उसके घर पे बेबी सिस्टर आई थी उसके साथ भी वैसा ही हुआ था। अच्छा तो तुम्हारे घर पे एक छोटा बेबी आने वाला है। एक बात बताएं, हम अपने घर के सबसे छोटे हैं, मतलब हमसे बड़ी 2 दीदियां हैं, कुमकुम दीदी और कुसुम दीदी। इतना प्यार करती हैं हमको कि बता नहीं सकते। अरे उनके साथ खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और इतने बड़े होते तक, मतलब घोड़े के होते तक अपने हाथ से खिलाया उन्होंने हमको। हाँ, और बापू डांट से बचाया, और कभी कभी तो हमारे होमवर्क करने भी मतलब देखो हम ये कह रहे हैं कि जब घर में एक भाई या बहन होता है ना तो दोस्तों की जरूरत भी नहीं पड़ती। सच्ची? अरे बिल्कुल। हाँ, स्टडीज कहती हैं कि जिन बच्चों के सिबलिंग्स होते हैं वो इमोशनली ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो केयरिंग होते हैं, शेयरिंग होते हैं और ज्यादा ट्रस्टिंग भी होते हैं। एकदम सही। लेकिन मॉम डैड बेबी को ही प्यार करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए या 2 चॉकलेट चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। हाँ, तो
तो ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा को भी आलिया यानी कि तुम बहुत पसंद हो, इसलिए उन्हें दूसरी आलिया भी चाहिए। मतलब बेबी मेरी तरह होगा? बिल्कुल, तुम्हारा भाई या बहन होगा तो बिल्कुल तुम्हारे तरह ही होगा। क्यों आलिया जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे बेबी सिस्टर चाहिए। गर्ल्स बेटर होती है। गर्ल्स बेटर होती है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, गर्ल्स बेस्ट होती है। वैसे आई एम सरप्राइज कि हम दोनों ने एक बच्ची को इतने अच्छे से हैंडल कर ली। जी बिल्कुल, और ऐसा इसलिए हुआ आलिया जी क्योंकि आपने हमारा पक्ष समझा और हमने आपका, पर हर बार ऐसा नहीं होता। चलते हैं। अब मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, हम यहीं रहते हैं, हम चले जाएंगे। धन्यवाद। सुनो, कल से ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लो। टर्म्स एंड कंडीशंस तो मिस कालिद, राह बिना चले ही हम उसे मुश्किल मान लेते हैं। बेवजह अपने इरादों को बुजदिल मान लेते हैं। जो नामुमकिन लगा था शायद एक कश्मकश ही थी। चल फिर ऐ जिंदगी, कुछ नया करने की ठान लेते हैं। मैं पहली बार देख रही हूँ तेरे प्लेट में इतनी डिजर्ट्स है और फिर भी तू इतनी स्ट्रेस्ड है। यप, जितने डिजर्ट्स इस प्लेट में है ना उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है। ये वाला मैंने क्यों नहीं देखा? आलिया, यप, एक तो पहले डोनर ही नहीं मिल रहा है मुझे अपनी बेबी के लिए और ऊपर से सारंगधर ने मेरे ऑफर को मना कर दिया। इमेजिन, मेरे ऑफर को। डोनर है? डोनर क्यों होगा, वो राइटर है। सारंगधर राइटर है। एक बार कंसिडर भी नहीं किया उसने मेरे ऑफर को, सीधा मना कर दिया। सारंगधर ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आलिया, क्या तुझे तेरे ऑफिस के किसी बंदे का नाम याद है? एक सेकेंड, क्या नाम बताया तूने? सरा सत सार सारंगधर। नो बिग डील। ऑफ कोर्स नो बिग डील, अगर उसे तेरे साथ काम ही नहीं करना है। सबकी अपनी मर्जी होती है, तुझे कोई और मिल जाएगा। हाँ, यू नो वो इतना इरिटेटिंग है और उसकी बातें सुन के मुझे इतना गुस्सा आता है, बट रबिया वो राइटर बहुत अच्छा है। उसकी राइटिंग लोगों को इंस्पायर करती है। उसकी राइटिंग ने मुझे इंस्पायर किया है। ओह रियली? तुझे याद है जीने की तैयारी में कहीं सपने खो ना जाए? यार मुझे ऐसे ही राइटर्स की जरूरत है अपनी कंपनी में। पता नहीं, आई होप उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। आई थिंक मेरी लाइफ में ना अभी नो फेज चल रहा है। एक तो सारंगधर ने मेरे ऑफर को नो बोल दिया और जैसे डोनर्स मिल रहे हैं उनको नो बोलने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है ना, तेरी प्रॉब्लम से ही तो तेरा सलूशन निकलेगा। टैलेंटेड, क्रिएटिव, मिस्टर पूनावाला अप्रूव्ड, सारंगधर। हमें तो लड़का पसंद है, तुझे कबूल है? तू ना गायना की रह, अपने बैड आइडियाज अपने पास रख। सारंगधर और मेरे बेबी का डोनर, दैट लाउड क्लासलेस मैनरलेस बदतमीज जिद्दी, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली देखें, इयू। रमेश भाऊ, ये शहर वालों की अलग ही चोच लें। नहीं, पहले मिर्च खिलाते हैं और फिर शहद चखाते हैं। तू शहद के सपने देख रहे? यहाँ पे अगर तेरे को नौकरी नहीं मिली ना तो चाय भी बिना शक्कर की पीनी पड़ेगी। मुंबई में फिल्में जरूर बनती है लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी फिल्मों के माफिक नहीं होती है। ये रमेश माधवराव शिंदे की लाइन बोली है, तेरे साथ रह के मैं अभी कभी बन गया हूँ। देख काव्या जी, काव्या जी, अरे रमेश भाव रोको रोको। अरे क्या हुआ? अरे रमेश भाव रोको। अरे
अरे इसे बीच रास्ते में से गाड़ी से भागने का आदत है क्या? रुको, बचाओ। बित्ते भर के हो, लड़की का पीछा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मतलब देख के किसी को लगता भी नहीं है। तुम इधर आओ। क्या कर रहे थे तुम? अरे काव्या जी, आप इसी से पूछे, ये बाप का पीछा कर रहा था। मेरे कहने पे ही मेरे पीछे भाग रहा था। इसे एक्सरसाइज करा रही थी मैं, और बीच रास्ते मैंने स्पीड अप इसीलिए किया ताकि ये थोड़ा और जल्दी भागे और गोलू थोड़े और कैलोरीज बर्न करे। अरे पर क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई है। अरे हमको पता ही नहीं था कि आपका कोई भाई है। अरे सॉरी, एक सेकंड, तुम्हें क्यों बताऊं अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने फैमिली के बारे में? हाँ काव्या जी, कसम से हमें नहीं पता था भाई। सॉरी, माफ करना, हम आपके पकड़ा पकड़ाई में हमने बाधा डाल दी। ए हीरो, सॉरी, बाधा तेरे इंटरव्यू में आ जाएगी अगर तू लेट हुआ तो। चल चल चल, लौकर माफी जो छोटा भाई। सॉरी, जाओ दे। भला हो यार सारंग का, वो पहले ही मिस्टर पूनावाला के घर पहुंच गया और सारी सिचुएशन संभाल ली, वरना मिस्टर और मिसेस पूनावाला की इज्जत की तो चटनी बन जाती और आलिया हम सब की चटनी बना देती। ये सारंग हर जगह कैसे टपक जाता है? तुम्हें पता था कि सारंगधर एक्चुअली एक राइटर है? हाँ, मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता रहेगा, मैं तो बात भी नहीं करता उससे। हाँ हाँ, लेकिन एक बार उसने अपनी पोएम सुनाई थी। पोएम भी नहीं एक्चुअली, वो दो तीन लाइन थी जो राइमिंग थी। मुझे तो उसका काम इतना बिलो एवरेज लगा ना, ये लगा मजाक कर रहा है। एक्चुअली अच्छा राइटर है वो। इनफैक्ट मिस्टर पूनावाला को भी उसकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी। शायद पहले भी कोई राइटअप सुनाया उसने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप करते समय। मैंने भी उसका एक राइटअप पढ़ा है, काफी इंप्रेसिव है। पर अगर वो राइटर है तो ऑफिस बॉय की जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों दिया उसने? राहुल, वो फाइल्स लेके आ जाओ। कौन सी वाली फाइल? ओ वो वाली फाइल्स। हाँ रमेश भाऊ। क्या हीरो, कैसा था इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू में दाल निकली रमेश भाऊ, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस राइटर चाहिए। अरे तेल लगाने गया एक्सपीरियंस, ये लोग कब समझेंगे कि एक्सपीरियंस के लिए काम मांगता है? और हर किसी का फर्स्ट टाइम होता है रे। तू दिल छोटा मत कर, आ जा वापस खुले पर। अरे नहीं नहीं, अभी दो चार कॉल करके फॉलो अप करते हैं, उसके बाद आएंगे। इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेंगे रमेश भाऊ। अच्छा बाबा ठीक है, चल। ये कब तक आएगी बस? आधे घंटे में आ जाएगी। अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे, खुद की अपनी पहचान बनाकर। अरे जाओ जाओ हमारे घर से। याद तो तुम्हारी आएगी हमें, लेकिन इस बात की तसल्ली रहेगी कि हमारा लल्ला अपना सपना पूरे करने गया है। सॉरी सारंगधर, पर हमारा ब्रीफ बदल गया है। वी डोंट वांट सच स्टोरीज एनीमोर। कुछ और होगा तो आपको कॉल करेंगे, पर अब नहीं। यू आर फायर्ड। पता नहीं हमें कब राइटर की जॉब मिलेगी जिससे हम खुद को साबित कर सकें। अब अपने पति के साथ होने के लिए भागना या छुप छुप के मिलना पड़ेगा। कहाँ दिमाग खा रहे हो हमारे पवन जी, चलिए रखे फोन। तू का टुकुर टुकुर देख रहे हैं? कपड़े सुखा। सुखाए रहे और धो भी रहे, पूरे घर के और तुम्हारे और जीजा जी के भी। तुम तो घर के काम में उंगली तक नहीं उठाओ। हम नहीं बने घर के जे सब काम करने को, मौका मिलता ना तो दिखा देते। इक्का इतिहास से लेके करोड़ दो करोड़ तक सब कुछ। तुम जाने दे, कछु करने का सपना होता जीवन में तो पता चलता ना। तो ये सपने तो हमारे भी घर चलाने के, मगर ये तो सपना ना हो तुम्हारी नजर। 32 साल के है गए, शादी करके घर में बैठे, विदाई नहीं हुई हमारी सिर्फ बापू की जिद की वजह से। तुम नहीं समझो। अब डांट लो तुम भी। घर में सबको दुख दिखे है तुम्हें, पर हमारा दुख किसी को ना दिखे। तेरे जैसे सपने तो देखे नहीं कभी हमने, पर इसी कोक से जन्मो है तुझे। कैसे तो इस घर में पैदा होके इतने बड़े सपने देख ली। कुमकुम के सपने तुझसे अलग जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सपने सपने ना हैं। आलिया, ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की फाइल है जिन्होंने लास्ट मंथ राइटर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, और ये डोनर्स की।
राहुल, तुम्हारा सारंगधर के बारे में क्या ओपिनियन है? आपको उसका नाम याद है? मुझे तुम्हारा भी नाम याद है राहुल। हाँ, पर मैं तो आपका खास हूँ ना, इतने सालों से राहुल। यस शट अप, जो पूछी उसका जवाब दो। सारंगधर के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे नहीं पता कि वो डोनेट करता है या नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं सारंगधर एज अ राइटर सोच रही, नॉट एज अ डोनर। ओह ओके ओके, सॉरी आलिया, वो दोनों फाइल सामने है तो इसलिए मैंने। राहुल, प्रायोरिटी में मीटिंग फिक्स करो, और राबिया ने भी चार और सजेस्ट किए, चेक देम आउट। तुम्हें याद है ना, सिर्फ 12 दिन है तुम्हारे पास। मुरझाए फूलों ने भी हरकत की है, जैसे चंद पलों के लिए उनमें जीने की चाहत फिर जगी। जब बात लाली लाली चुप हो जा लाली, तेरी कुसुम दीदी को नफरत ना है तुझसे, वो भी दुखी है, बस तुम दोनों के दुख अलग अलग हैं। तो फिर बापू को क्यों नहीं दिखता हमारा दुख? मती मारी गई है तेरे बापू की, अपनी अकड़ के आगे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं देता है उन्हें। अपनी बेटी का भी नहीं? अच्छा हुआ जो लल्ला चला गया, कम से कम अपना जीवन तो जी लेगो। एक बात बोले, तू भी भाग जा। चेहरे पे नमक न डालो अम्मा, कहाँ जाएंगे भाग कर? बापू ने जो किया अपने अहंकार में, इनके बापू से झगड़ो करके, इसके बाद ससुराल में कोई पैर भी रखने को देखो हमें। अरे इस परिवार से जिस औरत का नाम जुड़े हो, समझ जाओ उसके जीवन में ग्रहण लग गया। आलिया, वो मिस्टर पूना वाला आए हैं तुमसे मिलने। कल के सेलिब्रेशंस तो इतने खुश थे, फिर कहीं ऐसा करो, उन्हें बैठाओ और कॉफी भेजाओ, मैं मिलती हूँ उनसे। ओके ओके, ऑलराइट। टाइम राहुल, जाकर देखो ना मिस्टर पूना वाला आलिया से क्यों मिलने आया है, कहीं वो आलिया को बोलकर मुझे निकालने तो नहीं आया है। तुम्हें सच में लगता है कि वो स्पेशली आलिया से तुम्हारे बारे में बात करने आए? हाँ राहुल, आई नो कि तुम इम्पोर्टेंट हो, पर मिस्टर पूना वाला के लिए नहीं, आई मीन वो आलिया से बिजनेस डिस्कस करने आए हैं, आई एम श्योर। पर राहुल, माला दिमाग ठंडा करो, कॉफी नहीं, I'll see you soon, okay? मिसेस पूनावाला की कीमोथेरेपी कैसी रही? आज का सेशन तो हो गया, पर काफी कमजोरी है, पर कल रात के सेलिब्रेशन को लेके बहुत खुश है वो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा थैंक यू करने आया था, इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया तुमने, मेरी वाइफ और मैं हमेशा ये याद रखेंगे। मिसेस पूनावाला, आप जानते हैं कि जब आपकी बात हो तो आई वॉन्ट टू डिलीवर द बेस्ट, बट आपकी बार में वो सिचुएशन की वजह से कर नहीं पाई। मैंने जो कस्टमाइज केक भी आपके लिए ऑर्डर किया था वो भी मेरी गलती की वजह से गिर गया, आई एम सो सॉरी। मेरी एनिवर्सरी में मिठास केक ने नहीं, तुम लोगों के प्यार और मेहनत ने भरी है, खास कि वो लड़का सारंग, कमाल का लड़का है, बुलाना उसे, मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, थैंक यू कहने के लिए। मिस्टर पूनावाला, सारंगधर अब इस कंपनी में काम नहीं करता, आई मीन करता था, पर मैंने उसे कल ही फायर किया था, और उसके बाद मैंने उसको जॉब का ऑफर भी दिया था, बट आई डोंट थिंक उसे जॉब करने में इंटरेस्ट है। इट्स ओके आलिया, एक बात कहूँगा तुमसे, इतने सालों बिजनेस में रहकर तरह तरह के लोगों से मिला हूँ, पर ऐसा लड़का जो नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, मेरे घर आए सिर्फ मेरी एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए, आजकल के दौर में ऐसे लोग नहीं मिलते आलिया। वो एक राइटर है, अ वेरी टैलेंटेड राइटर, वो तुम्हारी ही कंपनी का किसी भी कंपनी को दूर तक ले जाएगा। तुम्हारी कंपनी के इन्वेस्टर होने के नाते मैं ये इंसिस्ट करता हूँ कि तुम सारंग को कंपनी में वापस हायर करो। मिस्टर पूनावाला, आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड आपने मुझे बिजनेस के हर स्टेप पे गाइड किया है, आई अश्योर यू कि हम उसे इस कंपनी में दोबारा हायर करेंगे। और जब वो वापस आ जाए तो ये गिफ्ट उसे दे देना। Absolutely. मैं चलता हूँ। और मिसेस पूनावाला को प्लीज मेरी तरफ से हाय बोलिएगा। पर्सन्स को जो भी कहना है तुम्हें आके घर पे कहना चाहिए। चलो बाय।
आजकल के दौर में ऐसे लोग नहीं मिलते आलिया, कि तुम सारंग को कंपनी में वापस हायर करो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.